हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। आज हम बात करते हैं बैट्समैन के किट बैग में क्या होना चाहिए और पर्सनल बैग के अंदर क्या क्या होता है बैट्समैन के। तो आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किट बैग के अंदर क्या क्या होता है, कितने बैट होते हैं, ग्लव्स कितने होते हैं, हेलमेट, तो आज पूरा आपको देखने को मिलेगा। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बिगनर्स को नहीं पता क्या क्या कैरी करना पड़ता है। तो आप नेट्स करते हो या मैचेस के लिए जाते हो या टूर्स पे जाते हो, तो आज आपको पता चल जाएगा किट बैग के अंदर क्या क्या होता है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी बिगनर्स जो मेरे भाई क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको किट बैग में और लास्ट में बताऊंगा आपको पर्सनल बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले किट बैग ओपन करते हैं, मैं दिखाता हूं किट बैग में क्या क्या होता है बैट्समैन के। गाइस, सबसे पहले बैट, आपके पास दो बैट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास दो बैट है। दो बैट होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक बैट हमारा मैच में टूट सकता है, हमारा बॉटम निकल सकता है और मैच में आप किसी का बैट यूज़ नहीं कर सकते, कोई आपको बैट नहीं देगा। अगर आप कहीं बाहर मैच खेल रहे हो या अपनी एकेडमी से भी खेलते हो तो कोई बैट आपको नहीं देगा। तो दो बैट मेरे पास है, आपके पास भी दो बैट होने बहुत ज़रूरी है। और गाइस, हेलमेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और दो जोड़ी ग्लव्स ज़रूरी क्यों है? दो पैर आपको चाहिए क्योंकि एक आप बैटिंग करते हो, पसीना बहुत आता है हाथ में, तो दो पैर आपको ज़रूर चाहिए। आप भी अपने पास दो पैर ज़रूर रखें। और ये थाई मैंने अमेजोन से मंगाई थी, मून वॉकर की, बहुत अच्छी थाई है, बहुत कंफर्टेबल है, आप भी मंगा सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और ये पैड और गार्ड गाइस, आपको हमेशा दो गार्ड रखने हैं अपने पास, क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में इंडिया में विकेट बहुत अच्छे बनने लगे हैं। ये नहीं कि आपके अगर गार्ड पे एक गार्ड से क्या होता है, अगर गार्ड पे बॉल लगी वो टूट सकता है, दो गार्ड से कंफर्टेबल ज़्यादा फील होगा आपको और ये स्ट्रॉन्ग भी है थोड़ा, दो गार्ड आपके लिए अच्छे रहेंगे। और ये एल्बो आप लगा सकते हैं, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ पर आप अपने बैग में ज़रूर रखें एल्बो। और गाइस, ये बॉल अभी आपके पास होनी चाहिए, अगर वाइट बॉल से मैच है तो आप नॉकिंग कर सकते हैं इसके स्टार्टिंग में। और ये मेरी रेड बॉल है। और ग्रिपर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ग्रिप हमारी फट सकती है मैच में, तो आप एक ग्रिपर भी अपने पास ज़रूर रखें। और गाइस, ये स्पाइक्स है, हमारा कहीं कहीं अपना टर्फ होता है जहाँ स्पाइक्स पे यूज़ होता है, तो ये स्पाइक उसके लिए है। और ये स्टड है, स्टड हमारा मैटिंग पे कहीं कहीं मैच होता है जहाँ बैट्समैन को स्पाइक्स यूज़ करने नहीं देते, वहाँ हम स्टड यूज़ करते हैं, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, अभी देखते हैं साइड में, ये आपकी कैची और ये इंग्लिश टेप आप लगा सकते हो बैट में, अगर कहीं बैट का एज निकल रहा है या थोड़ी लकड़ी निकल रही है तो आप उस जगह इसको लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सनल बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो गाइस, ये रनिंग शूज़ है, आप इन अपने पास ज़रूर रखें, पर्सनल बैग में आपके होने चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं तो आप इन शूज़ से करें। और वाटर बॉटल भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और गाइस, आपको मैं दिखा दूँ अभी क्या क्या है। एक ये रिस्टेंट बैंड है, आप वार्म अप करते हो तो इसका यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा, आपके शोल्डर अच्छी तरह ओपन हो जाएंगे। और ये कैप और एक हैट भी है मेरे पास। और एक्स्ट्रा टी शर्ट ज़रूर रखें अपने पास, आप बैटिंग करते हो, आपने अच्छे रन किए हैं, 50 या 100 आपने किए हैं तो चेंज, आप स्वेट हो जाएगा पूरा, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, फिर आपको ये डालना है, ज़रूर चेंज ज़रूर करना है। और गाइस, ये टॉल, आप स्वेट आता है पसीना आता है तो पूछने के लिए। और ये मैंने दो गार्ड बताए थे, ये सपोर्टर है, इसमें दो गार्ड लगते हैं, सपोर्टर पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता सपोर्टर का यूज़ क्या है, सपोर्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में, तो ये डालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि गार्ड इसमें ही एडजस्ट होगा आपका अच्छे से। तो ये सब सामान गाइस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एज ए बैट्समैन कहीं बैटिंग कर रहे हो, मैच खेल रहे हो, तो ये सब सामान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप धीरे धीरे एडजस्ट करके सब सामान रख सकते हो। ये प्रोफेशनल किट बैग है बिल्कुल, जो अच्छे मैचेस के लिए आपको चाहिए। गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और क्रिकेट से जुड़ी और वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल। और वीडियो को ज़रूर देखें, आगे भी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।